हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आप सबकी दोस्त के मैम। आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब एंड एडवर्ब के टाइप्स। अब मैं ऑलरेडी आप सबको बता चुकी हूं कि एडवर्ब क्या होता है। जैसे नाउन एंड एडजेक्टिव का रिलेशन है, वैसा ही वर्ब एंड एडवर्ब का रिलेशन है। एडजेक्टिव जैसे नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, वैसे ही एडवर्ब ये वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ही इज वॉकिंग क्विकली, वो चल तो रहा है बट कैसे चल रहा है, तेज चल रहा है, क्विकली चल रहा है। तो चलने की क्रिया हो रही है, तो चलना यहाँ पे हमारा हो गया वर्ब, बट क्विकली हो रही है तो ही इज वॉकिंग क्विकली में क्विकली हो जाता है हमारा एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब एडवर्ब के टोटल 6 टाइप्स है। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। एक एक करके देखते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, अब नाम से ही सब कुछ समझता है कि टाइम है, तो क्या क्या वर्ड्स, क्या क्या वर्ड्स हम टाइम को दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगो, बिफोर, अंटिल, टिल, ये सारे जो वर्ड्स है ये हम टाइम दिखाने के लिए यूज करते हैं। अगो, बिफोर, टिल, अंटिल, एक्सेट्रा। तो ये सारे हो जाते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। ऐसे सारे वर्ड्स जो टाइम स्पेसिफाई करने के लिए यूज होते हैं उन्हें हम कह देते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब काम कितनी बार हो रहा है, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार काम हो रहा है, जो भी क्रिया हम कर रहे हैं, जो भी हमारा वर्ब है, जो भी हमारी एक्शन है वो कितनी बार हो रही है, ये दिखाने वाले जो सारे वर्ब्स होते हैं उन्हें हम कह देते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे कि ऑलवेज, वो एक्शन हमेशा हो रही है क्या, वंस एक ही बार हुई क्या, ऑफन कभी कभार हो रही है क्या, ट्वाइस दो बार हुई क्या, एक्सेट्रा। सो ऐसे सारे वर्ड्स जो काम की फ्रीक्वेंसी बताते हैं, काम कितनी बार हो रहा है बताते हैं, उन्हें हम कह देते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ऐसे सारे वर्ड्स जो काम कहां पे चल रहा है, एक्शन कहां पे हो रही है ये बताते हैं, उन्हें हम कह देते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे कि हियर, देयर, समवेयर, एक्सेट्रा, हियर, देयर, समवेयर, एनीवेयर, एक्सेट्रा। ऐसे जो सारे वर्ड्स होते हैं जो हमारी एक्शन कहां पे हो रही है, किस जगह पे हो रही है ये दिखाते हैं, उन्हें हम कह देते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। फिर आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर मतलब हमारा काम किस तरह से हो रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि वॉकिंग क्विकली, क्विकली ये मैनर दिखा रहा है, तरीका दिखा रहा है चलने का, क्विकली, स्लोली, स्विफ्टली, ड्रिफ्टफुली, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। किस तरीके में काम चल रहा है ये बताने वाले सारे वर्ड्स हो जाते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ डिग्री, हमारे काम की जो भी डिग्री है वो दिखाने वाले वर्ड हो जाते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। जैसे कि इनफ, फुल, फुल्ली, टू, टू मच, ये जो सारे वर्ड्स ये डिग्री दिखा रहे हैं, किस एक्सटेंट तक हमारा काम हो रहा है ये दिखा रहे हैं, किस एक्सटेंट तक हमारी एक्शन हो रही है ये दिखा रहे हैं। इनफ, फुल, फुल्ली, टू, टू मच, ये जो सारे वर्ड्स है इन्हें कह देते हैं हम एडवर्ब ऑफ डिग्री। और आखिरी टाइप है हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन मतलब पॉजिटिव, हम जानते हैं कि अफर्मेशन मतलब पॉजिटिव, किसी भी चीज का अफर्मेटिव होना मतलब किसी भी चीज का पॉजिटिव होना, उस चीज को हाँ कह देना, उस एक्शन को, उस काम को हाँ कह देना। जैसे कि श्योरली, श्योरली मतलब पक्का, सर्टनली, सर्टनली मतलब भी पक्का, तो श्योरली, सर्टनली, अल्टीमेटली, ये जो सारे वर्ड्स है ये ऑब्वियसली, अल्टीमेटली, श्योरली, सर्टनली, ये जो सारे वर्ड्स है ये क्या दिखा रहे हैं कि हाँ वो चीज होने ही वाली है, पक्का होने वाली है, अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, होने ही वाली है। तो ऐसे सारे वर्ड्स को कह देते हैं हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। तो 6 टाइप्स है एडवर्ब के। एडवर्ब ऑफ टाइम, ऐसे सारे वर्ड्स जो हमें
हमारी चीज, हमारी एक्शन, हमारी क्रिया किस टाइम पे हो रही है ये बताएंगे, जैसे कि अगो, बिफोर, टिल, अंटिल एक्सेट्रा। हमारा एक्शन कितनी बार हो रहा है ये दिखाने वाले वर्ड्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे कि ऑलवेज, वंस, ऑफन, ट्वाइस, थ्राइस एक्सेट्रा। हमारी एक्शन किस जगह पे हो रही है ये दिखाने वाले वर्ड्स वो हो जाते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे कि हियर, देयर, समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर एक्सेट्रा। ऐसे सारे वर्ड्स जो एक्शन किस तरीके में हो रही है, किस मैनर में हो रही है ये दिखाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, स्लोली, क्विकली, स्वीटली, रफली एक्सेट्रा। जो हमारे एक्शन की डिग्री बताते हैं, एक्सटेंट बताते हैं, लेवल बताते हैं, उन्हें हम कह देते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, जैसे कि इनफ, फुल, टू मच, टू, फुल्ली एक्सेट्रा। और जो ये बताते हैं कि एक्शन पक्का होने ही वाली है, जैसे कि श्योरली, सर्टनली, ऑब्वियसली, अल्टीमेटली, ये सारे वर्ड्स हो जाते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। तो ये थे एडवर्ब एंड इट्स टाइप्स। अगले वीडियो को फॉलो कीजिए और तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।